हेलो हाय नमस्ते, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सब बढ़िया होगा आप लोगों की ज़िंदगी में। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त अतुल पटेल, और लेकर आ गया है एक और नया वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सितंबर महीने में रही किन कार निर्माताओं की वाहनों की मांग सबसे ज़्यादा। देश भर में वाहनों की बिक्री में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सितंबर महीने में किस कंपनी की कार और SUV की मांग सबसे ज़्यादा रही, हम इसकी जानकारी इस वीडियो में आपको देंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टॉप 5 जो कंपनीज़ हैं उनमें। सबसे पहली बात अगर हम बात करेंगे तो पांचवे पायदान पर है टोयोटा। इस लिस्ट में पांचवे पायदान पर टोयोटा का नंबर रहा है। कंपनी ने सितंबर 2023 के दौरान कुल 22,168 यूनिट्स वाहनों की बिक्री की है, जबकि सितंबर 2022 के दौरान कंपनी ने कुल 20,970 यूनिट्स वाहनों की बिक्री की थी। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी ने 5.71% की ग्रोथ हासिल की है, जो कि बहुत अच्छी है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, अगला नंबर है महिंद्रा का। देश की प्रमुख SUV निर्माता महिंद्रा का इस लिस्ट में अगला नंबर है, यानी फोर्थ रैंक है। कंपनी ने बीते महीने में कुल 41,267 यूनिट वाहनों की बिक्री की है, जबकि सितंबर 2022 के दौरान कंपनी ने कुल 37,270 यूनिट वाहनों की बिक्री की थी। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी ने कुल 10.72% की ग्रोथ हासिल की है, जो कि बहुत अच्छी है मेरे हिसाब से, क्योंकि कंपनी ने जो है वो ग्रोथ हासिल करी है 10% से ऊपर। अब आ जाते हैं थर्ड पायदान पर, यानी तीसरे पायदान पर। तीसरे पायदान पर है देश की कंपनी, यानी कि सबसे भरोसेमंद कंपनी, जिसका नाम है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स को इस लिस्ट में तीसरे नंबर हासिल हुआ है। कंपनी ने बीते महीने में कुल 44,850 यूनिट्स वाहनों की बिक्री की है। सितंबर 2022 के दौरान 45,515 यूनिट वाहनों की बिक्री कंपनी की ओर से की गई थी। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी ने 1.46% की नेगेटिव ग्रोथ हासिल की है, यानी कि कंपनी का नेगेटिव ग्रोथ हासिल हुई है। वहीं अगर हम लोग महिंद्रा की बात कर रहे थे तो वहां पर पॉजिटिव ग्रोथ थी, लेकिन अगर टाटा की बात कर रहे हैं तो यहां पर नेगेटिव ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है, जो कि बुरी बात है। टाटा को और अपनी सेल्स पर ध्यान देना चाहिए, नए नए फीचर्स लेके आने चाहिए मार्केट में, तभी टाटा का आगे बढ़ेगा। टाटा की एक और बात बता दूं कि टाटा का इंफोटेनमेंट और जो डैशबोर्ड होता है, जो अंदर का इंटीरियर होता है, वो काफ़ी बोरिंग होता है, तो टाटा को उस पर काफ़ी सुधार करना चाहिए। और अभी भी जो टाटा के जो इंजन्स हैं उनमें अभी भी 3-सिलेंडर इंजन चल रहा है, और बाकी कंपनी आप लोगों को 4-सिलेंडर इंजन प्रोवाइड कर रही है। तो मुझे लगता है कि कंपनी को 4-सिलेंडर पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कॉम्पिटिटर 4-सिलेंडर दे रहा है और आप अभी भी 3-सिलेंडर पर अटके हुए हों, तो आपको इस चीज़ पर भी ध्यान देना चाहिए, तब आपकी सेल्स और अच्छे से इंक्रीज़ हो सकती है, ऐसा मेरा मानना है। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। इसी के साथ साथ हम सेकेंड नंबर पर आते हैं। तो सेकेंड नंबर में आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, सेकेंड नंबर पर है ह्युंडई। या जी हाँ, ह्युंडई इंडिया ने सितंबर 2023 के दौरान 54,241 यूनिट वाहनों की बिक्री की है। इसी के साथ कंपनी सबसे ज़्यादा वाहन की बिक्री करने वाली दूसरी कंपनी रही है। सितंबर 2022 की अगर हम लोग बात करते हैं तो उस टाइम पे कंपनी ने कुल 53,830 यूनिट्स वाहनों की बिक्री की थी। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर हम लोग कंपनी की बात करें तो 0.76% की ग्रोथ हासिल की है, 0.76 यानी 1% से कम। तो ये भी अच्छा रहा है कि कम से कम ग्रोथ तो हासिल की है कंपनी ने। अब आ जाते हैं हम लोग फर्स्ट नंबर पर। सभी को पता है, क्योंकि मार्केट में हम लोग जब निकलते हैं, बाज़ार में हम जब घूमते हैं, सड़कों पर जब हम देखते हैं, तो एक ही गाड़ी का जलवा होता है, वो है मारुति। मारुति है फर्स्ट पायदान पर। मारुति की गाड़ियों में भले ही आप लोगों को सेफ्टी का ध्यान नहीं दिया जाता है, लेकिन ये माइलेज बहुत अच्छी देती है, इसीलिए इंडियन मार्केट पर राज करती है और एक तरीके से सस्ती भी है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि पहले नंबर पर है मारुति। रिपोर्ट्स के मुताबिक मारुति की ओर से सितंबर 2023 के दौरान सबसे ज़्यादा वाहनों की बिक्री की गई है। जानकारी के मुताबिक कंपनी ने बीते महीने में 1.5 लाख से ज़्यादा गाड़ियां बिक्री करी है। मैं एग्जैक्ट नंबर आपको बता देता हूं, 1,50,812 यूनिट्स वाहनों की बिक्री हुई है, जबकि सितंबर 2022 के दौरान कंपनी ने
156,114 यूनिट्स की बिक्री की थी। अब ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 3.40% की नेगेटिव ग्रोथ हासिल की है, यानी कि कंपनी ने इतनी सारी गाड़ियां बेचने के बावजूद भी कंपनी को नेगेटिव ग्रोथ हासिल हुई है, क्योंकि पिछले साल यानी 2022 में गाड़ी अच्छी बिकी थी और इस साल गाड़ियां थोड़ी कम बिकी है, इसलिए 3.40% की नेगेटिव ग्रोथ हासिल की हुई है। तो ये रही देश की टॉप 5 कंपनीज जिनकी सेल्स रही है सबसे ज़्यादा, और ऐसे ही कंटेंट के लिए आप हम लोग को फॉलो, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।